दुखद घटना है, हमारी संवेदना है उसके पीड़ित परिवार के प्रति, और जो भी इसमें संलिप्त हैं वे बख्शे नहीं जाएंगे। एक बड़ा सवाल है, क्या आप मंत्री भी हैं, काफ़ी अनुभवी राजनेता भी आप हैं, लग रहा है कि प्रशासनिक फेलियर हुआ है कहीं ना कहीं? प्रशासनिक फेलियर कभी नहीं हुआ है न होगा। जो उस बगल के भगवानपुर के थाना प्रभारी थे, चौकीदार थे, उसको निलंबित किया गया है और विभागीय कार्रवाई भी होगी। सिवान में भी यही, जो भी उस एरिया के थाना प्रभारी थे और चौकीदार थे, सबको निलंबित किया गया है। लोगों की मौत पर क्या ये कार्रवाई बहुत आसान नहीं लगती आपको, कि कार्रवाई अगर आप सस्पेंड कर देते हैं लोगों की मौत हो रही है? पहले मेरी बात को सुनिए। छुपा करके जो कच्चा स्पीड पिया है उसमें कहाँ क्या करता है लोग, प्रशासन हो कि कोई हो, देखने के लिए नहीं जाता है। जब उसका दुष्प्रभाव होता है तब लोग को पता चलता है। लेकिन सर आप मंत्री हैं, देखना तो प्रशासन का काम है ना, मानते हैं? एक मिनट सुनिए, आप जो बोल रहे हैं थाना है या भी गर्दनी बाग, अभी हम घर में क्या कर रहे हैं पुलिस देखने आएगा? तो हमको इस घर से जो जब तक गड़बड़ी पैदा नहीं होगा तब तक कैसे किसको मालूम होगा? लेकिन कहीं से लाया गया, ये तो लाया गया है तो अभी तक 17 आदमी को गिरफ्तार किए हैं और SI टीम गठित किए हैं और CCA लागू करेंगे। लगातार इस तरह की घटना हो रही है, नहीं लग रहा है शराबबंदी फेल्योर है? ये बुर्बक वाला बात मत करो, अथी 302 का मुद्दा ले होता है ना लोग, उसमें कानून अथी मौत की सजा होती है न? लेकिन सर छिटपुट घटनाएं सामने आ रही है तो सरकार अब क्या? सरकार तो जो करने का था शराबबंदी कानून लागू किया है, लेकिन समाज को जागरूक होने की जरूरत है, समाज इसका प्रतिकार करे। ये गंदा चीज है, गंदा चीज पीने से मस्तिष्क मेरा गड़बड़ होगा, लीवर कैंसर होगा, लीवर फेलियर होगा। आप देख रहे हैं रोड एक्सीडेंट होता है पर डे। आधिकारिक तौर पर मंत्री जी कितने लोगों की मौत हुई, आपके पास क्या आंकड़ा है? अभी तक में 6 सिवान में मरा है, 2 छपरा में। इलाज कितने लोगों की हो रही? 22 लोग के हो रही इलाज। आंख की रोशनी कितने लोगों की गायब हुई? 3 लोग की। 3 लोग की गायब हुई। जिस राज्य में शराबबंदी नहीं है वहाँ से शराब आ रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है, क्योंकि सारे जगह तो? एक मिनट सुनो भाई, हम लोग पूरे बगल के जो भी झारखंड, बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव से बराबर बात कर रहे हैं। चोर तो किसी दरवाजे से घुस सकता है, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रही है। CCA लाने की समीक्षा की भी बात की जा रही है कि समीक्षा होनी चाहिए? कोई समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, जागरूक करने की जरूरत है। CCA के लिए आप कैबिनेट में प्रस्ताव लाएंगे? हाँ लाएंगे, हम लाएंगे। सरकार ने निर्णय ले लिया है? मेरा व्यक्तिगत अभी निर्णय स्तर से निर्णय लिया। हाँ अपने स्तर से। सरकार के सर मंत्री हैं? हाँ मंत्री हैं, तो हम प्रधान सचिव से मुख्यमंत्री से बात करके इसको कैबिनेट में लाएंगे। CCA लागू होगा? हाँ लागू होगा। एक अन्य सवाल है, जो जिस तरीके से पहले से रूल है कि शराब माफियाओं के खिलाफ संपत्ति जब्ती का मामला था, लेकिन हाल के दिनों में देखा गया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या लग रहा है कि उस तरह से कार्रवाई करने से डर पैदा होगा? इस तरह का साक्ष्य हमारे सामने नहीं आया है, अगर साक्ष्य आएगा तो उसको संपत्ति जब्त किया जाएगा। ठीक है।